उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। मॉडलिंग से अदाकारी की दुनिया में बनाई पहचान। दिल की बात दिल में रखने के बजाय कह देती हैं। मारूफ अदाकारा इफ़त उमर है हमारी आज की बाकबाल की मेहमान। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग अस। माय प्लेजर। कम ऑन, लेट्स गो इन। एक्ट्रेस, टीवी होस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सियासी कारकुन, आप इनमें से अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करेंगे? सियासी कारकुन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ पाकिस्तानी हूँ एज अ ओपिनियन, और मैंने अपना ओपिनियन मैं शेयर करती रही हूँ, लेकिन अब तो एक साल हो गया मैं कुछ शेयर नहीं कर रही। क्यों, आपको करना चाहिए? देखें, मैं आपके हर इंसान का अपने एक ज़ाती सोच होती है, आप उस पर आवाज़ भी निकालते हो, और जब कोई पावर में होता है तब उसके बारे में बात करना या उसके अगेंस्ट बात करना ठीक लगता है, एंड व्हेन समवन इज नॉट इन पावर तो मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसे इंसान के बारे में, फिर अब तो उसका कोई अमल दखल नहीं है, अब तो जो भी पॉलिसीज हो रही हैं, या मैं तो सियासत से इख्तलाफ करती थी, मेरा पर्सनल तो कोई ग्रज नहीं था, तो जब वो सियासत में अभी उनका कोई हाथ ही नहीं है तो फिर मैं क्यों उनके बारे में कोई बात करूं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े स्टार है, नो डाउट, आपका उनसे इख्तलाफ उनको उनका हुकूमत में आने से पहले का ही था या बाद में हुआ? मैं तो बहुत उनकी सपोर्टर थी, लेकिन कुछ उनकी बातें और कुछ उनकी पॉलिसीज और उनकी सोच ऐसी थी जिससे मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, और मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, फिलैंथ्रोपी पे उनका कमाल काम था और उसकी मैं आज तक फैन हूँ, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आई डिडंट एग्री विद हिम। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं एग्री नहीं करती तो बाकी लोग भी नहीं करते, अगर उनके साथ मेजॉरिटी है तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना, मतलब उनको इजाज़त होनी चाहिए वो ले, और अगर वो जीतते हैं या जो दूसरे क्लेम करते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि लोग उनके साथ हैं, तो एक दफ़ा निकल के सामने आ जाए और फिर जो भी आता है प्लीज़ उससे काम कर लेते। आपके घर में भी आपकी सियासी सोच से लोग मुत्तफिक हैं या वो सब पीटीआई के सपोर्टर हैं? पीटीआई के सपोर्टर थे हैं, और लेकिन माशाल्लाह मेरे घर में भी जिसे कहते हैं ना इतनी डेमोक्रेसी है कि सबको अपना अपना ओपिनियन, माई हस्बैंड इज़ पीटीआई सपोर्टर। अच्छा, आपका एक बार में एक पोस्टर है कि आप वैसे ही अगेंस्ट हैं चेयरमैन पीटीआई के, मतलब कौन सा काम अच्छा नहीं लगा आपको? देखिए, मुझे उनकी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करती है, आप उनकी कोई भी तकरीर निकाल लें सवाए चोर डाकू के, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ख़राब किया, हर एक से उन्होंने दुश्मनी ली, एंड देन ही हिज मिसोजिनी, वो जो ख़वातीन के बारे में जैसे बात करते हैं, और इतना रिलीजन को जो उन्होंने यूज़ किया है, मतलब वी ऑल नो हिज बैकग्राउंड, पता नहीं ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में ये क्या हो गया है कि हर कोई जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, कोई अपनी उस पर कायम नहीं रहता कि जो सही है हम उस पर कायम रहेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकॉनमी आपको मिल बैठ के एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए था, और जो फोर्स ये नहीं होने देना चाहती सवाए इमरान खान के, देखिए मियाँ साहब ने भी एक स्टैंड लिया उनके अगेंस्ट, और मियाँ साहब से ज़्यादा सपोर्ट इमरान साहब की थी, अगर इमरान पॉलिटिशियंस के साथ मिल के उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते और रियल डेमोक्रेसी के लिए काम करते तो ये मुल्क बदल सकता था। तो मुझे उनसे ये इख्तलाफ है कि आपने आके सवाए नफरत की पॉलिटिक्स, लेकिन अच्छे काम भी किए, हेल्थ कार्ड हो गया, एहसास प्रोग्राम की रकम बढ़ाई, फिर बिलियन ट्री का मंसूबा, सियासी शऊर दिया, ये सब भी तो अच्छे काम। सियासी शऊर नहीं दिया उन्होंने, सियासी पर लोगों को सियासत में इंटरेस्ट डेवलप किया, शऊर आई विश वो दे सकते, और वो टॉलरेंट आदमी होते, एक मुदब्बर तरीके से बात करने वाले होते, और ये गालम गलोच और नफरत ना करते। तो देखिए, इमरान
से उन्होंने मेरी भैंस तो नहीं छुड़ाई ना। तो बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो उनको नहीं पसंद करते, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लाइफ बट बिकॉज जो पोलराइजेशन उन्होंने इस मुल्क में फैलाई है और गालम गलोच का जो कल्चर किया है और इनटॉलरेंस का जो कल्चर किया है, और हमारा वो मुल्क है जो नौजवान नस्ल में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, 65% इज अंडर 35, और इस दफा तो इलेक्शंस में नौजवानों का है, 44%, तो वो तो है उनके साथ, पर हाल चले देखे क्या होता है। पीडीएम की 16 माह की बदतरीन कारकर्दगी पर आप किसे जिम्मेदार ठहराती हैं? उन्हीं को जो 2018 में इमरान को लेकर आए, तो अभी फिर नेक्स्ट वही आ रही है, तो उसके खिलाफ बात करेंगी आप? यार मैं थक गई हूँ, अब सबको सब पता है, बस ख़त्म, मेरी बड़ी थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, ठीक है मैं चुप हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है मैं वो कर। इलेक्शन 2024 में आप किसको सपोर्ट करेंगी? मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने नहीं डिसाइड किया। 8 फरवरी को इलेक्शंस है। मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वोट, अगर इस तरह के इलेक्शन होंगे ना मैं वोट नहीं करूँगी। हाँ अगर सबको इक्वल चांस मिल रहा है तो मैं ज़रूर उसको वोट करूँगी। मेरा जो है, ऑल आई कैन डू इज नॉट वोट द पर्सन आई डोंट लाइक एंड वोट द पीपल आई प्रेफर। तो अगर हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, नहीं मैं इस तरह के इलेक्शंस में वोट नहीं डालूंगी, सबको आप दें इजाजत और फिर लड़ने का मजा आएगा, ये क्या बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है उनको, और अगर वो मकबूल हैं तो उनका हक है कि उनको चांस मिले, अगर पब्लिक उनके साथ है, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रही हैं आप, अगर उनको चांस मिले और लोग उनके साथ हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेजॉरिटी जिसके साथ है, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जिसको पब्लिक चूज करती है, मैं उनके साथ हूँ या ना हूँ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आई हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर पीटीआई दोबारा आ जाती है तो मेरे नाल बड़ी बुरी होनी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें कौन से काम, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी पॉलिसीज जिनसे आपको इख्तलाफ था और वो नहीं करने चाहिए? देखिए हमें दुनिया के साथ चलना है और दुनिया अब तो इतना वो हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड हो गया कि सबको सब पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है, जो वहाँ पे कोई इजादात हो रही है तो फौरन हमें भी उसका इल्म होता है। पहले तो 300 साल हम पीछे थे, लेकिन अब हमें दुनिया के साथ चलना है। और अगर नवाज शरीफ दोबारा इक्तदार में आते हैं तो आप उनको चाहेंगे कि मुफाहमत की सियासत करें, सबको लेकर साथ चलें? बिल्कुल, मैं यही एक्सपेक्ट भी उनसे यही करती हूँ और मैं पीपल्स पार्टी से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड आई होप तहरीके इंसाफ के लोगों ने अब ये लेसन सीख लिया, इमरान साहब अब जेल में हैं और उनको सोचने का बहुत टाइम मिला, आई होप उन्होंने लर्न कर लिया हो और वो शऊर के साथ और अकल जज्बात के बगैर और ईगो के बगैर इस मुल्क को चलाने का फैसला कर। मरियम नवाज को आप क्राउड पुलर कहती थी, डू यू थिंक कि वो अभी भी लोगों की दिलों की धड़कन है और वाकई इस तरह से क्राउड पुल कर सकती हैं? मेरे ख्याल से मैं आपस की बात कहूँ, अब सियासत में मज़ा नहीं रहा, जब तक इमरान जेल में चले गए तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आपस की बात यही है कि जब मुकाबला फेयर होगा ना, क्राउड भी तब, आपके चाहने वाले भी तब टूट के आपके लिए निकलेंगे, अभी सब कुछ सबको पता है क्या हो रहा है, सो वो मेरे ख्याल से उनका क्राउड भी कह रहा है यार छड्डो यार। लेकिन जो हालात है, पीटीआई एक वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकती, हाय उन्होंने भी या तो चुपकी सी अपने ज़माने से, आई होप दे हैव लर्न्ड देयर लेसन, एंड अगेन आई वुड से कि अगर फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो कोई फ़ायदा नहीं। मरियम नवाज के जो सियासी हरीफ हैं उनको प्लास्टिक सर्जरी पे बड़ा तंकीद करते हैं आप, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी, मस्नूई खूबसूरती है, बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे साथ कॉलेज में थी, मैंने उनको ज़माने से देखा होगा, मतलब उन पर नज़र नहीं ठहरती थी, थोड़ी सी प्लम्प थी क्योंकि बचपन था, लेकिन हुसन तो यूँ फूटता था उनसे, और देखिए जिसने सर्जरी कराई होती है ना उसका पता चल जाता है, भाई यहाँ देख लें आप, यहाँ कोई टांके हैं मेरे नहीं है ना। तो मैंने भी सर्जरी नहीं कराई, और बाकी खवातीन फेशियल्स या ट्रीटमेंट्स कराए तो उनका भी हक है भाई। तो मरियम नवाज की आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी? उनकी रेजिलियंस,
जी उन्होंने उस मौके पे आवाज़ उठाई और नहत्ते मुकाबला किया जब वो सारी फोर्सेस और इमरान साहब पावर में थे और वो फोर्सेस उनके फुल थ्रॉटल अगेंस्ट थे। तो लेकिन फिर हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी जब वो लंदन चले जाते हैं, वहाँ पर कोई क्लिनिक चेकअप्स नहीं होते हैं। आपको कैसे पता ये? बात वो है जो सामने नजर आ रही, उस पर आप बात करें। अगर वो चोर डाकू हैं तो कोर्ट्स को डिसाइड करना है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में किसे मुस्तकबिल का वजीर आजम बनता देख रहे हैं? बिलावल। उसकी कोई वजह? बस आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि बिलावल हैज पोटेंशियल और अगर मरियम को वोट मिलते हैं व्हाई नॉट। आप सोशल मीडिया पर वैसे बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बहुत लिखती हैं। मैं तब पॉलिटिकली एक्टिव थी जब वो पावर पे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने जब से वो जेल में गए मैंने उनके अगेंस्ट एक भी ट्वीट नहीं किया। बल्कि रिसेंटली मैं क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ इस तमाम जो आजकल हो रहा है कि मैंने ये ही लिखा है कि यार पीडीएम की परफॉर्मेंस पे भी बोलना चाहिए, मतलब जिस तरह आप उस हुकूमत में थे मैंने पीडीएम की परफॉर्मेंस पे भी मैं इसलिए नहीं बोल सकी ज्यादा क्योंकि वो पावर में तो नहीं थे, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो फेयर इलेक्शन से पावर में आएगा मैं उसके बारे में बात करूंगी जब वो पावर में होंगे। अभी पीएमएलएन पावर में नहीं है, right. जो हैं अभी तो उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो चुप्पी रहो। यू नो व्हाट आई मीन? अगेन मैं ये कहूंगी, मैं सटायर करती थी, सटायर मशहूर लोगों का होता है और पावर में जो लोग होते हैं उनका होता है, लेकिन अगर मेरी इस सटायर से किसी का दिल दुखा है ये मेरा मकसद नहीं था। तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर हुई कि आप सियासत में नहीं, मैं सियासत कर ही नहीं सकती हूँ, मेरी एजुकेशन नहीं, आई एम अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, आई एम एन एक्टर, मेरे क्या पता क्या पॉलिसीज हैं और क्या है। सो बिल्कुल भी नहीं, नेवर। आप अदाकारा भी हैं, अगर नून लीग की हुकूमत मुस्तकबिल में आती है तो क्या आप अदाकारों की फलाह बहबूद के लिए किसी ओहदे की ऑफर आई तो कबूल करेंगी? अगर फेयर कोई जॉब हो जिसमें लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाए और मैं भी अप्लाई करूं और मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, मेरी एजुकेशन की वजह से वो मुझे फेयरली जॉब मिलती है तो ठीक है, बट नॉट एज अ पेटर, क्योंकि इसको मैं इंसल्ट समझती हूँ। मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मैं अपने बलबूते पे जो कर सकती हूँ मैंने सारी ज़िंदगी किया और मैं अब भी कर रही हूँ। हमारे अदाकार या शोबे से वाबस्ता अफराद इंतखाबी सियासत में इतने कामयाब क्यों नहीं है? आई थिंक ये सियासत भी एक प्रोफेशन है और उसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोफेशन में जब तक आप तभी कामयाब होते हो जब आप उसके मास्टर हो, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और आपको लोगों से पब्लिक के साथ उनके दिलों में रहने की एक जगह होती, सिर्फ टीवी पे शोहरत से नहीं आप कामयाबी हासिल कर सकते, ये आपको एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से लोग इसको बहुत इजी ले जाते हैं और सिर्फ समझते हैं कि हम मशहूर हैं तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। और जहाँ तक इमरान की बात है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक स्टार थे इस मुल्क के, वो वाकई दिलों में बसते थे एज अ क्रिकेटर एंड देन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड गुड लुकिंग मैन। यस, नो डाउट। अब सब इमरान तो नहीं होते थे, तो अपनी अपनी औकात देखते हुए आपको फैसले करने चाहिए। आपके ख्याल में मुल्क को चलाने के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है? देखिए जी, अभी तो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में जिसको समझा जाता है कि बेहतरीन निज़ाम है। अब आगे क्या इवॉल्व होता है इंसान और क्या बनता है ये हमें नहीं पता, फिलहाल डेमोक्रेसी है। तो एक दफ़ा इस मुल्क पर डेमोक्रेसी चला के तो देख लेगा, एक दफ़ा हमारे मरने से पहले लोग खुद निकालें, खुद चूज़ करें और करते रहें, एक सिलसिला चलता रहे, तो कोई 15-20 साल बाद जड़ पकड़ती है डेमोक्रेसी। कोरोना के दिनों में आपकी वीडियो आई जिसमें आपको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, आवाम से कब वैक्सीन यूं एलीट क्लास को लगाया जाना एक गलत अमल था। अगर इस मामले की वीडियो सामने नहीं आती तो क्या फिर भी आप अपने इस अमल पर एम्बैरस होती? कोरोना में सब काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, सब घर में बैठे, पर एक्टर को करना पड़ा। मैंने जाना था कराची, 50 तक एज अलाउड हो गई थी, ठीक है, आई वॉज 49, 3 महीने बाद मैंने 50 हो जाना था। मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैंने खुद उन्हें कहा कि मेरी शूटिंग है। अब देखिए, शूटिंग पे मैं सिर्फ मास्क नहीं पहनूंगी,
मेकअप आर्टिस्ट भी पहन लेंगे, कैमरामैन भी पहन लेंगे, पर एक्टर्स नहीं पहन सकते। मैंने कहा प्लीज़ मुझे वैक्सीन अगर लग सकती है, मैं ऑलमोस्ट 50 हूँ, तो मुझे लगवा दें। तो इट वॉज़ अ फेवर डन टू मी। एंड अगर मुझे पता होता है ये कोई मैं गलत काम कर रही हूँ तो मैं वीडियो बनवाने थे, मैं तो हंसी कुछ ही बनवा रही थी कि बाकी लोगों जो कि घबरा रहे हैं वैक्सीन लगाने से उनको भी लगे। लेकिन ऑब्वियसली पीपल टुक इट, तीन महीने पहले कि बड़े लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक एक्टर भी इंसान है और काम, पूरी दुनिया काम रोके बैठी थी, पर ड्रामों ने तो चलना है फुल उसके थ्रॉटल। जब कोविड था मैं अगले दिन कराची जा रही थी, मैंने कहा था मुझे आप वैक्सीन लगवा दें अगर हो सकता है तो, चलें अगर मेरे से गलती हुई तो माफ़ कर देना चाहिए और उसका पीछा छोड़ दें। सियासी मामलों पर आप एक वाज़ेह राय रखती हैं, ज़ाती ज़िंदगी पर इस चीज़ ने कितना असर डाला? एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं एक लीडर के बारे में बात कर रही थी तो जो उनके फेवर में लोग थे उन्हें लीडर की बात करनी चाहिए ना, अगर मैं इनकी कर रही हूँ तो आप इस लीडर की करें। लोगों ने मुझे इमरान साहब के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अरे भाई मैं थोड़ी प्राइम मिनिस्टर की रेस में हूँ, आप मेरे पे क्यों गालम गलोच कर रहे हैं? आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी, आपको जिस लीडर से प्रॉब्लम है उस पर बात करें। आप भी तो गालियाँ देते हैं सारे, चोर डाकू तो गंजे, तो फलाना, तो टमकाना, तो आप उन्हीं पे बात करें, आप मेरे पे क्यों आ गए, पर्सनल क्यों हो गए? बट एनी वे इट वॉज अ जर्नी। और ऑब्वियसली जब इतनी गालियाँ आपको कोई दे रहे हों और ब्लेटेंटली इतनी घटिया बातें आपकी, आपकी फैमिली की, आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे, माओं को नहीं छोड़ रहे, तो इट डज अफेक्ट यू। आपने सलाउद्दीन अयूबी के बारे में कहा कि ये हमारे हीरो नहीं है, तो आपकी नज़र में हमारा हीरो कौन है? देखें बात हो रही थी लोकल हीरोज की, मैंने हम यही बात कर रहे थे कि अर्तुगरल जो है वो उनके बहुत बड़े, देखिए हम इस्लाम के लीडर्स की बात नहीं कर रहे थे, हम लोकल हीरोज की बात कर रहे थे। तो अर्तुगरल की बात पे ही मैं उनकी ही थी कि उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी का नाम ले लिया और मेरा रिस्पांस अर्तुगरल का था कि वो हमारे हीरो नहीं है। तो एनीवे अगेन मैं आपकी तवज्जो से, अगर मैंने आप में से किसी का दिल दुखाया तो आई अपोलोजाइज। और मैं इस्लामी लीडर्स की बात नहीं कर रही, वो मतलब वो तो नाउज़ुबिल्ला में, मतलब वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। मैं बात कर रही थी कि हमें अपने लोकल, अपने खत्ते के हीरोज पे काम करना चाहिए और बताना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट पे के जो हीरोज थे वो क्या, और उनको सेलिब्रेट करना, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें भी अपने हीरोज उसी तरह उन पर काम करना चाहिए जैसे इस दुनिया के तमाम मुल्क अपने हीरोज पे काम कर। बिल्कुल सही। तो ये मेरा मकसद था, आई डिडंट वांट टू हर्ट एनीवन। और ऑब्वियसली आप रिलीजियस मामलात में बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। अच्छा इफ़त, हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। इफ़त ये बताएं आप शोबिज़ में किससे इंस्पायर हो के आ रही? मैं इतनी छोटी थी जब मैं शोबिज़ में आई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला किसी से इंस्पायर होने का। लेकिन एक इंसानी आपकी जबिलत में होता है, आपको अच्छा लगता है आपको अटेंशन मिले, आपकी तस्वीरें अच्छी अच्छी खींचें। तो मुझे जब ऑफ़र हुई तो मैंने तो एक्साइटमेंट में बस कर लिया, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये मेरा करियर बन जाएगा। तो सो इससे पहले कि मैं इम्प्रेस होती और सोचती कि मुझे शोबिज में आना है, मुझे चांस मिल गया। अच्छा, और मैं वहाँ से फिर शुरू हुआ। एंड देयर वाज नो शोबिज में कैसे आई, कौन शोबिज में लेकर आया आपको? खालदा यूसुफ थी एक जर्नलिस्ट। अच्छा, और उन्होंने मुझे एक रोटरी मीटिंग थी जिसपे कि हम मेंबर्स थे, जब हमने मैट्रिक किया तो उसकी छुट्टियों में हमने हर बच्चों का मिलके होता है कि कुछ करें, तो हमने रोटरी क्लब में ना काम करना शुरू किया फॉर पीपल के हेल्प करें लोगों की। तो उसकी मीटिंग की एक तस्वीर आ गई थी अखबार में, तो खालदा को लगा कि मेरे में पोटेंशियल है, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे ऑफर की। मेरी अम्मी तो उन दिनों बाहर बैंकॉक में कोर्स करने गई हुई थी, तो मैं पीछे अकेली थी अपने नाना के साथ, तो मैंने छुपके कर लिया एक शूट। अच्छा, शौक शौक में।
उस शूट के बाद फिर मुझे बहुत सारी ऑफर्स आना शुरू हो गई। फिर अम्मी जब वापस आई, मैं तो जान निकली हुई थी कि मैं पीछे आया कर लिया, तो बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर प्रोडक्ट और मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी काम किया, तो उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा बेटा शर्त सिर्फ ये कि पढ़ाई, यू हैव टू, पढ़ाई को नहीं छोड़ना। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्शन में आ गई। कंटिन्यू रहा या आपने पहले छोड़ दिया उस टाइम में? बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा मैंने, पढ़ाई अपनी जगह साथ साथ काम। आई लर्न ऑन जॉब और मेरा पहला ड्रामा ही वॉज विद सबा हमीद एंड राहत काजमी, तो मेरे लिए तो वही वो मेरे समझे कि वहाँ से वो मेरे उस्ताद थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने काम पे ही सीखा जो मुझे आया, अच्छा था या बुरा था जो भी था। पहला ड्रामा आपका उसका क्या नाम था? नंगे पांव। अच्छा, नंगे पांव फॉर एंट्री। या राइट, मॉडल ऑब्वियसली एक ऑब्वियस क्राइटेरिया होता है मॉडल बनने का। इसके अलावा डू यू थिंक कि पहले ज़माने में जब मॉडल बनने के लिए क्राइटेरिया था और जो करंटली क्राइटेरिया सेट है, कुछ डिफरेंस आया है उसमें? देखिए मॉडल बनने का क्राइटेरिया, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फोटोजेनिक, यू हैव टू हैव स्टाइल, खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है, एक एटीट्यूड ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है। लेकिन फ़र्क जो मैं अब देख रही हूँ कि अब ये बहुत प्रोफेशनल हो गया है और मॉडल्स इससे, जिसे कहते हैं ना कि अब घर चल सकता है ऑन मॉडलिंग एज वेल। उस ज़माने में तो एक शौक ही था, उससे घर शहर नहीं चलते थे और इतने लोग भी शायद नहीं आते थे या अच्छी फैमिली से आते थे। लेकिन 90s वाज अ दौर ऑफ सुपर मॉडल्स, मतलब आप देखें स्टार्ट में मैं आई, मेरे से पहले कराची में थी दो तीन मॉडल्स, लेकिन उनको आप अवामी मॉडल्स नहीं कह सकते ना। तो जो घर घर मॉडल कॉन्सेप्ट पहुंचा, ये मैं अपने आप को क्रेडिट देती हूँ कि वो मेरे से पहुंचा था। और मेरे बाद फिर दीज अमेजिंग गर्ल्स केम लाइक विनी आई, आमना हक आई, बिग नेम्स, और ज़बरदस्त मॉडल्स का एक फिर रुझान आया। देवर ऑल सुपर मॉडल्स, उनका बाय नेम लोग उन्हें जानते थे। अब जितने भी मॉडल्स हैं आपको उनके नाम शाम नहीं पता, मैं भी शक्लें पता हूँ, लेकिन जो घर घर एक नेम था। और उस जमाने में हम कैंपेन्स करते थे ना, मतलब इफ़त ने ये कैंपेन किया, विनी ने ये किया, आमना ने ये किया, नाम पता होते थे। अब एक्टर्स मॉडल्स बन गए, यू नो, पहले सुपर मॉडल्स अलहदा थी और एक्टर्स अलहदा थे, लेकिन अब वही मॉडल्स भी हैं। और यू नो माजी के अदाकारों में और आज के अदाकारों में मेजर फ़र्क क्या है? आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क है। टेक्नोलॉजी की जैसे इवॉल्व हुई है, उसके साथ साथ काम भी इवॉल्व हुआ है। पहले भी टैलेंट ही था जो आपको आगे लेके जाता था, अब भी टैलेंट ही है। असल सुपरस्टार्स जो हैं, सुपरस्टार का दौर माहिरा फवाद से शुरू हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज किड्स। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स और सही स्टार्स अब बन रहे। आप करेंटली कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं नया एक्टिंग का? मैंने एक्टिंग छोड़ दी ना, मैंने तो 50 साल पे अपनी अनाउंस कर दिया था, आई एम डन। व्हाई यार? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब हीरोइन एक ज़माने में रहे होते हो और उसके बाद जब आप कैरेक्टर रोल्स में आते हो, तो आपको जिस तरह सेट्स पे ट्रीट किया जाता है वो थोड़ा बदल जाता है, एंड आई डिडंट लाइक इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे इस पर कह दें मैं शैलो हूँ या मैं जो भी हूँ, मुझे लगता है कि आप जब अपनी जॉब पे जाते हो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिंग करने के लिए आपको कुछ सहूलियात चाहिए होती हैं। आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि अब आप माओ के कैरेक्टर कर रही हैं तो आपको वो सहूलियात नहीं मिलेंगी। मेरा नखरा है एंड आई बिलीव कि एक्टर्स को पैम्पर करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर शोर नहीं मचाऊँगी। मेरे ख्याल से इज्जत इसी में है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप खुदा हाफिज़ कहते। मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र केस में आपको मीशा शफ़ी ने बतौर गवाह क्यों पेश किया? अली ज़फ़र पर केस करने से कबल क्या मीशा शफ़ी ने आपको एतमाद में लिया था? बात यह है कि इट वॉज हर वर्ड अगेंस्ट हिम एंड हिज वर्ड अगेंस्ट हर। मैं मीशा को बिलीव करती हूँ, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वो दोनों मुझे अजीज़ हैं। मुझे अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ जाना कोई मेरे लिए कोई बहुत प्लेजरेबल बात नहीं थी, लेकिन मैं सही का साथ देती हूँ और मुझे पता है। अब देखें मैं उनके साथ तो नहीं थी, मैं उस जगह पे तो नहीं थी, मैंने भी अंदाज़ा ही लगाना है ना अपने एक्सपीरियंस से और हर बात से। और अब मैं एक्चुअली इस बात को इतने साल हो गए, लेकिन अब एक बड़े होने के नाते मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बस कर दें इस बात को,
अली के भी बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं, अली के भी वालदैन हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। और मेरे ख्याल से मीशा ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया जो औरतों की फेवर में बात जा रही है। अब मेरे ख्याल से इस मामले पे मसीह बात ना करें, ये सब वी बिलीव के बल्कि ऐसा कोई सिचुएशन हो आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ सीरियस इशू और बहुत सी खवातीन वर्किंग वुमेन तो वैसे ही तो आपको लगता नहीं मेरे ख्याल से कि अली मस्ट हैव लर्नड हिज लेसन। अब काफ़ी उनके साथ जो हो सकता था हो गया। मेरे ख्याल से अब बच्चे बड़े हो रहे हैं दोनों साइड पे, एक बड़े होने के नाते आई थिंक अब इसके बारे में हमें मज़ीद बात छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर ज़िद कायम है और अली भी चाहते हैं प्रूव करना तो फिर वेट करें, फिर जब प्रूव हो जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने खलीलुर रहमान कमर की लिखी हुई फिल्म में काम भी किया, फिर फेमिनिज्म पर उनसे इख्तलाफ भी हुआ, उनको बतौर राइटर कैसे समझती हैं? आई डोंट वॉन्ट टू डिग्निफाई हिम बाई कॉमेंटिंग ऑन हिम, ही इज़ अ बेटर मैन। और वो एक बहुत ही छोटे आदमी निकले और मैं उनके बारे में अब बात नहीं करूँ। तो उनको ऐसे बतौर राइटर अगर हम मैं से उनके उनके बारे में जिस जगह मैं मौजूद हूँ उनका नाम भी नहीं मैं लेना चाहूँगी। उन्होंने इतनी घटिया बात कर दी है कि अब मैं अगर कोई मैंने कभी उनके बारे में पर्सनल कोई बात नहीं की थी, कभी उनको जो उन्होंने टेलीविज़न पे बैठ के गालियाँ दी थी उसके अगेंस्ट में बोली थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो औरत के थी, अगर वो किसी मर्द को भी गालियाँ देते मेरा यही स्टांस होता, नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के ऐसी बातें नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ मेरा उनसे ये इख्तलाफ था। आप पूरे चैनल पर बैठ के कह रहे हैं दो नंबर औरत, आए फिर प्रूफ करें, है ना अपने दम खलील साहब, तो आए फिर प्रूफ करके दिखाएं मेरी दो नंबर। आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरी बीगल फेवरेट राइटर, अगर आप एक नाम चाहती हैं तो बीगल इज माय फेवरेट राइटर। आजकल ड्रामों के बारे में कहा जा रहा है कि बड़े बोल्ड टॉपिक्स आ रहे हैं, डू यू थिंक दे आर बोल्ड इनफ? हमारी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज है नहीं है, इन पे बात नहीं करनी चाहिए? कौन से बोल्ड टॉपिक्स आ रहे हैं कि दो शादियां हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं? खैर ये होता भी है। और देखें स्टोरी टेलिंग जो होती है ना वो आप ड्रामों के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं आजकल के जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने आज तक अपना ड्रामा देखा ना मैंने किसी और का ड्रामा देखा, मुझे पाकिस्तानी ड्रामों की लुक ही नहीं पसंद। चंद राइटर्स हैं जिन और डायरेक्टर्स हैं जिनका काम मैं कभी कभी देख लेती हूँ। आपको किस साथी अदाकारा के साथ या अदाकार के साथ काम करके अच्छा लगता था? सबा हमीद, उनके साथ मैं उनसे बहुत सीखा है, शी इज़ लाइक वन ऑफ माई मेंटर्स। और सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, वो वैसे भी बहुत कमाल खातून है और वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उनकी मौजूदगी में मैं सेट पर रहना बहुत इन्जॉय करती थी। फिर ये कैसा भी हो गया कि अब सेट पे आप जब रह रहे होते हो 35-40 दिन के लिए, तमाम लोगों के साथ आपको इकट्ठे जब रहना पड़ता है और हर तरह की सोच का इंसान आता है, अब इतनी कोई रिग्रेसिव सोच हो गई है हमारे शोबिज़ की, जबकि शोबिज़ एक ऐसी जगह जहाँ पे रोशन ख्याली और प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, उतने ही मैंने डाइग्रेशन देख ली है और इतने मायोपिक व्यूज़ हैं और इतने बंद दिमाग हैं कि मेरे से उस कंपनी टॉक्सिक कंपनी में अब रहा नहीं जाता। तो अभी भी हम क्रिटिसिज्म पे जब आते हैं तो हम काम पे क्रिटिसाइज नहीं करते बल्कि हम शख्सियतों पे, उनके लिबास पे करना शुरू कर देंगे, वेरी इजी टू टारगेट औरतों के लिबास पे। आपको भी बड़ा क्रिटिसिज्म इस तरह का फेस करना पड़ता है? तो कर ले, कुछ लोगों के लिए मेरा लिबास मायूब होगा, कुछ के लिए आपका होगा, तो हर एक को तो आप दुनिया में खुश नहीं कर सकते ना। एक चीज, एक इंसान को आप खुश कर सकते हैं, वो खुद हैं। बिल्कुल सही। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, दिखते रहिए बागकमाल। वेलकम बैक टू बागकमाल। इफ़त, यू आर अ मदर ऑफ अ डॉटर, और ये बताइए कि अपनी बेटी की तरबियत करते हुए पहली किन खास चीज़ों का ख्याल रखा माइंड में? सबसे ज़्यादा ख्याल मैंने इस बात का रखा कि वो ओछी ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और
कभी झूठ ना बोले और तालीम पे फोकस। तो अभी वो क्या कर रही है? माशाल्लाह उसने कॉर्नेल से मास्टर्स कर लिया। अच्छा। और वो इंशाल्लाह 5 दिनों में वापस आ रही है अपना मास्टर्स कंप्लीट करके। एंड शी हैज रियली मेड अस प्राउड। उसका 4 आया है GP। अच्छा। और शी इज अ गुड किड। माशाल्लाह। आपने 25 साल की उम्र में शादी की एंड फिर मॉडलिंग आपने छोड़ दिया? यू टुक अ ब्रेक। मॉडलिंग तो मैंने छोड़ दी ना जब मैं उमर से मिली थी, उनको नहीं पसंद थी। और मैं वैसी ही खातून हूँ जो मांगी थी जो जो जैसे शोहर चाहे। मुझे बहुत मोहब्बत हो गई थी, मैंने कहा जो आप कहें वही होगा। ये बताइए, अभी आपने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, क्या करते हैं और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? ये तो हमें पता चल गया, लव मैरिज थी। कॉमन फ्रेंड मेरी थी जो मेरे साथ उन दिनों में रह रही थी, उनकी उम्र भी उनके फ्रेंड थे और बस ऐसे इत्तफाक कर हम मिले और फिर यहाँ तक पहुँच गए। तो होना तो हमें मिलना ही था, हम दम जिस राह भी निकलते। तो क्या कौन सी ऐसी उनकी? पहली दफा तो लड़ाई हो गई ना मेरी पहले ही मुलाकात पे। आई वाज सो ऑफेंडेड। उन्होंने कोई एक मर्द दे देते हैं गाली, उन्होंने को मेरे सामने गाली दे दी। अच्छा। तो मैं तो करती हुई वहां से चली गई कि ये कौन मतलब है, ये मेरे टाइप का नहीं है भाई। नहीं, तब तो मेरे ज़हन में भी ये नहीं था। उनके ज़हन में था, उन्होंने CSS पास किया था। अच्छा। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को कहा चलो मैं तुम्हें ट्रीट पे ले जाता हूँ लेकिन इफ्फत को भी लेके आना। अच्छा। तो मैं फारिग बैठी थी, मैं भी चली गई। मैंने कहा CSS किया जरा देखूँ तो सही कौन है। अच्छा। लाइक होगा वो प्यारा भी निकल आया। लेकिन जब उन्होंने गाली कोई दी, वो सड़क पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने गाली दी। तो मैं तो अपनी फ्रेंड नादिया को वहीं उतारा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ चली गई। तो सुना है कि खाने पे वो बड़े परेशान रह के जिद कीता सी होते आई नहीं। तो फिर मैं जिस फ्रेंड की तरफ गई थी वहाँ आए, उन्होंने मुझे अपोलोजाइज किया कि आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू और एनीथिंग। फिर अगले दिन से उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया, तो फिर शुरू हो गया। तो आपका वो काम देखते थे, एक्टिंग कभी नहीं देखे, ड्रामे देखे? नहीं, मैं बताया ना वो बहुत ही पोजेसिव है, उसको नहीं पसंद। अच्छा, वो देखते भी बाद में भी नहीं देखते थे कि अप्रिशिएट करूं कि ये एक बड़ा अच्छा काम किया इस ड्रामे में, इधर आपकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी? नहीं, कभी भी नहीं। वो ही इज नॉट द सॉर्ट कभी मैं ज़बरदस्ती कुछ दिखा दूँ। मैं कह रहा हूँ मैं खुद नहीं अपने देखती, तो कभी कोई कमाल चीज़ हो तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो ठीक है। सो आप फारिग वक्त में, व्हेन इट्स जस्ट योर टाइम, उसमें आप क्या करती हैं? मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा। मैं खाना बनाती हूँ और मुझे थक गई थी तो मैं शायद नंबर थ्री आई थी लेकिन मैं सबको हरा दिया था, खवातीन को। आई एम वेरी गुड एट। फरमाइश पे फिर क्या बनाती हैं आप? उनको मेरे हाथ का गजरेला बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है। फिर वो ही इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हेल्थ, तो मैं स्टीम रोस्ट एंड स्टीम फिश और इस तरह की चीज़ें उनके लिए बना। तो यू आर माशाल्लाह सुपर फिट और अभी भी मतलब योर फिटनेस एवरीथिंग जो ग्लो है सब कुछ आपने कहा, मैंने कुछ सर्जरीज भी नहीं की। देखो पेट हल्का नहीं है यार, जिस दिन कराऊंगी बताऊंगी, व्हाई नॉट। सो आप डाइट कॉन्शियस है, डाइट को कंट्रोल करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? मुझे फैशन का बहुत शौक है ना, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे तैयार होने का फैशन का बहुत शौक है। उसके लिए एक बॉडी आपको मेंटेन रखनी होती है। मुझे पसंद है तारीफें सुनना और लोगों का ये कहना कि आप अपनी एज के लिए बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छा तैयार होती हैं। आई वोंट लाई, हर एक को शौक होता है और आप तारीफों के लिए तैयार होते हो और मुझे शौक है मेरी तारीफ की जाए। मैं तो अपनी मियां को यूं ही हूं, मेरी तारीफ कर। अच्छा, अक्सर बीवियों की शिकायत होती है कि हमारे मियां अपनी बीवियों की तारीफ नहीं करते। मैं तो खड़ी हो जाती हूं, कैसी लग रही? हां हां हां। मैंने कहा क्या मतलब? हां हां, एक एक चीज बताओ कि अच्छा लग रहा है। आप इतना ओपनली अपनी एज बता रही हैं, अदरवाइज मैंने इतने लोगों ने इंटरव्यू किया, मोस्टली रिलक्टेंट होती हैं फीमेल्स अपनी एज बताने में। जिसकी मर्जी है, जिनको अनकंफर्टेबल है। मैं इसलिए बताती हूँ कि मुझे पता है कि मैं अपनी एज के लिए बहुत अच्छी लग रही हूँ, अपनी एज के मुताबिक। इफ़ आई लुक लाइक दिस एट 52, आई एम हैप्पी। दिस इज अ सिक्योरिटी ना, आई एम हैप्पी। और मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना मैं इंसल्ट समझती हूँ अपनी, मेरे लिए
बेइज्जती की बात है जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़े। मैंने हमेशा सच बोला है क्योंकि सच आपको भूलता नहीं, झूठ आपको भूल जाता है। अगली बार तो उसी कोई और बोल देते हो तो ये इसलिए होता है, सच बोला तो वो कंटिन्यूटी में रहता है। इसलिए मैंने बहुत सारी इसके नुकसान भी उठाए हैं, लेकिन मैं बड़ी कंटेंट औरत हूँ। एज छुपाने से कुछ नहीं होता, जो भी आपकी एज है ना आप वो लगते हो, मानो या ना मानो आप वो लगते हो। और बेहतर है कि आप बताओ और खवातीन को कंफर्टेबल करो इस बारे में। नेचुरल प्रोसेस, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, सबने बूढ़े होने। जितनी एज शेमिंग इस खत्ते में है, स्पेशली पाकिस्तान में, मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखी। अजय, क्या ये बात दुरुस्त है कि अवार्ड्स पहले से तयशुदा होते हैं या कंपनीज की फरमाइश पे मिलते हैं या बाकी ये फेयर ही डिसाइड होता है मेरिट पे? देखो यार, मुझे अगर मिला है तो मुझे तो फेयर ही लगेंगे, क्योंकि मेरी तो कोई सिफारिश नहीं है और मैं कोई पसंदीदा इंसान भी नहीं हूँ चैनल्स की, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हमेशा पंगे लिए हैं अपने राइट के लिए। तो यार अब सबको तो नहीं मिल सकता, तो जिसको मिल रहा है तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, जिनको नहीं मिल रहा फिर उनको बुरा अगर लगता है तो गलत बात है। तो जज को मेहनत करे, नहीं वो भी बहुत अच्छे पर सबको नहीं दे सकते। आजकल तो इतने अच्छी एक्टिंग सब कर रहे हैं कि अब किसको ना दें और किसको दें, तो इट्स ओके। ठीक, आपने फिल्मों में भी बहुत कम काम किया, उसकी क्या वजह है? यार जब मेरा टाइम था उस जमाने में फिल्मों का ये बूझ नहीं था और मुझे डर लगता था मेरी शादी नहीं होगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। हाँ, तो मैंने तब नहीं किया, हालांकि मुझे बहुत अच्छी फिल्म की ऑफर हुई थी और बहुत अच्छे इंसान ने मुझे ऑफर की थी और ही वॉज वेरी सीरियस, सैयद नूर साहब। अच्छा। और वो स्पेशली आए और एजाज दुरानी उसके प्रोड्यूसर थे, दे रियली वॉन्टेड मी, लेकिन मैं डर गई। भाई मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो मुझसे तो शादी नहीं होगी अगर मैं फिल्मों में चली गई तो। मैं चली गई, मुझे तो शादी का शौक बहुत है, मैं तो बचपन से बड़े होकर शादी करना चाहती थी। तो मैंने, मेरे से नहीं हुई। जब आपने मॉडलिंग की पहली दफा उस टाइम कितना मुआवजा मिला था उस वक्त? 500 उस वक्त, राइट। आपने साथ में यूट्यूब चैनल अपना, मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि अब मैं क्या करूं। I always wanted to do something very, very substantial, informative for women. Meera, Reema aur Resham mein se kise behtar samajhti hain? Kis lihaz se? Actress? I think Resham. Resham behtar actress hai. Shaan, Momarana aur Humayun Saeed, inko inme se kisko behtar samajhti hain? Actor? Actor. Aur charismatic actor? You can add it. Because all are handsome, good looking. I think Shaan. शान की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल, हालांकि मेरे और उनके पॉलिटिकल व्यूज बहुत फार अपार्ट, लेकिन आई बिलीव इन गिविंग द डेविल हिज ड्यू। शान इज अ स्टार। लास्ट में अगर आप जो न्यू कमर्स आ रही हैं, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से उनको मुझे एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि दे आर अमेजिंग एंड दे आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। थैंक यू इफ़त। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।